हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम महकार सिंह। डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको यूज़ ऑफ सेल एंड शुड का करा दिया था। आज देखिए यूज़ ऑफ विल और वुड का कराएंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं, ये हमारा चैप्टर चल रहा है एक्सिलरीज एंड मॉडल। तो ये हमारी एक्सिलरीज वर्ब में करा चुका हूँ, अब ये मॉडल्स वर्ब चल रही हैं। मॉडल्स वर्ब में लास्ट वीडियो में मैंने सेल और शुड का यूज़ करा दिया आपको, आज देखिए विल और वुड का यूज़ कराएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इन वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करते रहें। ओके, तो देखिए द यूज़ ऑफ विल। विल का प्रयोग निम्न दो प्रकार से होता है। रूल नंबर वन, जब विल का प्रयोग सेकेंड पर्सन यू अथवा थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ किया जाता है तब यह सिंपल फ्यूचर को प्रदर्शित करता है। जैसे ही विल हेल्प यू, सी विल कम हियर, दे विल हेल्प यू, इट विल नॉट हेल्प मी। रूल नंबर टू, जब विल का प्रयोग आई वी के साथ किया जाता है तब यह दृढ़ निश्चय, इच्छा, अनिवार्यता आदि प्रकट करता है। जैसे देखिए, I will write these important letters today. तो यहाँ क्या willingness, दृढ़ इच्छा, इच्छा शक्ति, ठीक है। मैं अवश्य ही आज इन आवश्यक पत्रों को लिखूँगा। नंबर दो, I shall go to Agra. I will bring your books from there. ये क्या प्रोमिस, वादा। मैं आगरा जाऊँगा, मैं निश्चय ही आपकी किताबें वहाँ से ले आऊँगा। और नंबर थर्ड है, वी विल वर्क हार्ड एंड फिनिश द वर्क इन टाइम। क्या है डिटरमाइनेशन, दृढ़ निश्चय। हम अवश्य ही मेहनत करेंगे और कार्य को समय से पूरा कर लेंगे। देखिए नंबर डी, यूज ऑफ वुड। वुड इसके प्रयोग के लिए निम्न पांच नियम याद रखिए। नंबर रूल नंबर वन, जिस प्रकार सेल का पास्ट टेंस शुड होता है उसी प्रकार विल का पास्ट टेंस वुड है। विल के पास्ट टेंस के रूप में वुड का प्रयोग निम्न प्रकार होता है। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू मेरठ। यू सैड दैट यू वुड नॉट प्ले क्रिकेट। नॉट उक्त प्रकार का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। रूल नंबर टू, प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। जैसे वुड यू प्लीज़ कम विद मी, क्या आप मेरे साथ चलोगे, अथवा कृपया मेरे साथ चलिए। वुड यू प्लीज़ रीड आउट द रिपोर्ट, कृपया इस रिपोर्ट को पढ़िए। और वुड यू प्लीज़ डू इट, कृपया इस कार्य को करिए। नॉट ऐसा प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी प्रार्थना या निवेदन का उत्तर तुरंत देना चाहते हैं। जैसे हमारे पास कोई पुस्तक न हो और हमारे मित्र के पास हो, तब हम कहेंगे वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर सम टाइम। रूल नंबर थर्ड, भूतकाल पास्ट टेंस में वुड का प्रयोग आदत, हैबिट प्रकट करने के लिए होता है। जैसे नंबर एक, समटाइम्स माई फादर वुड गेट एंग्री एंड वुड नॉट स्पीक। कभी कभी मेरे पिताजी नाराज हो जाया करते थे और बोला नहीं करते थे। नंबर दो, ही वुड गो देयर इन द इवनिंग, वह वहाँ शाम को जाया करता था। नंबर तीन, ऑन संडे आई वुड रन टू द पिकनिक स्पॉट, रविवार के दिन मैं पिकनिक स्थल पर दौड़ के जाया करता था। और देखिए नंबर फोर्थ है, महमूद वुड सिट एंड ड्रीम ऑल डे, महमूद बैठ जाया करता था और दिन भर स्वप्न देखा करता था। अब देखिए रूल नंबर फोर, वुड का प्रयोग दृढ़ निश्चय, डिटरमाइनेशन तथा सहमति, विलिंगनेस प्रकट करने के लिए भी होता है। जैसे
शी वुड हैव हर ओन वे या शी वॉज डिटरमाइंड टू हैव हर ओन वे। तो ये क्या है, डिटरमाइनेशन, दृढ़ निश्चय। आई सैड आई वुड डू माई बेस्ट फॉर देम, विलिंगनेस। और आई नो शी वुड कम इफ़ शी कुड। तो क्या है, विलिंगनेस, इसमें हमारी दृढ़ निश्चय और हमारी सहमति प्रकट होती है। ओके, अब देखिए रूल नंबर 5, शर्त वाले वाक्यों कंडीशनल सेंटेंस में वुड का प्रयोग होता है। जैसे आई वुड डू इट इफ आई वर यू। तो क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। इफ ही वर हियर आई वुड स्पीक टू हिम, कंडीशनल सेंटेंस। देखिए कमेंट नंबर 1, आदत प्रकट करने वाले वाक्यों में वुड का प्रयोग यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के भाव में होता है। जैसे सी वुड सिंग इज इक्वल टू सी यूज्ड टू सिंग, और इसे हम कह सकते हैं इट वाज हर हैबिट टू सिंग, यानी कि वह गाया करती थी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वह गाया करती थी। अब देखिए नंबर 2, यूज्ड टू का प्रयोग भूतकाल में स्वाभाविक कार्य हैबिचुअल एक्शन प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग यूज्ड टू, विल यूज के रूप में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने आपको विल और वुड का यूज़ करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अदर्स मॉडल वर्ब कराएंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और समझें विल और वुड का यूज़ कहाँ और कैसे होता है। और देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करते रहिए। ओके, गुड बाय।